और आज तो अनेक ऐसे अवसर हैं। इंडस्ट्री की बात मैंने की आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मैंने आपको रोजगार की बात की, और एक और नया पहलू, मैं कल अयोध्या में था, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के जो लोग आते थे हर एक प्रकार के टूरिज्म में, वे धार्मिक टूरिज्म भी हो, वह हेरिटेज टूरिज्म भी हो, वह इको टूरिज्म भी है, और भी अन्य तमाम प्रकार के पर्व और त्योहार जितने सभी इसमें आ जाते थे, कुल मिलाकर के इनकी संख्या होती थी 3 करोड़। 17 के पहले 3 करोड़ लोग यूपी में आते थे, और आज कितने आ रहे हैं, 32 करोड़। 32 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये 32 करोड़ जो आ रहे हैं, ये 32 करोड़ की ताकत को समझिए। ये 32 करोड़ केवल टूरिस्ट नहीं है, ये 32 करोड़ जब लोग आएंगे तो किसी को टैक्सी चाहिए होगी, किसी को रेस्टोरेंट में भोजन करना होगा, किसी को होटल में रुकना होगा, किसी को कोई सामान खरीदना होगा, किसी व्यक्ति को कोई अन्य सेवा लेनी होगी, मंदिर में जाना होगा तो प्रसाद खरीदता होगा, फूल पत्ती खरीदता होगा, वहां पर कुछ अन्य कार्यों में के साथ जुड़ता होगा, और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि, कल मैं देख रहा था अयोध्या में ही होम स्टे के लिए, यानी जो लोग बहुत बड़े बहुत लोग होते हैं जो महंगे होटल में नहीं रह सकते, धर्मशाला में जगह नहीं, उस व्यक्ति के लिए होम स्टे। बहुत सारे लोग होते हैं वे चाहते हैं कि नहीं मैं परिवार के साथ जा रहा हूं, मुझे परिवार जैसा वातावरण मिले, इसके लिए होम स्टे, सस्ते में पारिवारिक वातावरण भी मिला। आप आश्चर्य करेंगे, अकेले अयोध्या में कल हम लोगों ने 450 ऐसे होम स्टे को होली अयोध्या के रूप में उसे वहां पे कल रजिस्ट्रेशन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और यह संख्या 1500 से ज्यादा होने जा रही है जो मुझे कल बताया गया। यानी आपके लिए होटल के क्षेत्र में, रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, टैक्सी के लिए, आपके लिए होम स्टे के लिए, और पढ़े लिखे युवा के लिए योग्य गाइड के रूप में भी कार्य करने के अवसर होते हैं। जो मंदिरों में, धर्मस्थलों में फूल पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, उस फूल पत्ती को चढ़ाने के बाद अगले दिन फेंक दिया जाता है, कुछ लोग महिला स्वयंसेवी समूह या कुछ लोग उसको एकत्र करके, सभी धर्मस्थलों से एकत्र होकर के, अगर उसी से धूप बत्ती इत्र आदि बनाने का काम लोग करने लग जाएंगे, नए रोजगार का भी सृजन उससे भी होगा। यानी वेस्ट को वेल्थ में बदलने की भी एक कला इसके अंदर छुपी हुई है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, और इसीलिए मैंने कहा अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, अयोग्य कोई नहीं है, एक योग्य योजक की आवश्यकता है, और यह रोजगार मेला उसी योजक के रूप में आपके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है कि आपको कैसे अपना मार्ग बनाना है। डबल इंजन की केंद्र या राज्य दोनों सरकारें इस दिशा में आपके लिए तमाम प्रकार के आयोजन कर रही है, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। मैं देख रहा था अभी आज 120 कंपनियां यहां पर आई हुई हैं, इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन होंगे, कार्यक्रम होंगे, लेकिन मैं प्रशासन से भी और इन सभी विभागों से कहूंगा अन्य युवाओं को भी रजिस्ट्रेशन सबका करवाइए, इंडस्ट्री के साथ जोड़िए, किसी को चीनी मिल के साथ, किसी को IGL के साथ, किसी को गाइलैंड के साथ, किसी को TMX अंकुर के साथ में, किसी को तमाम अन्य जो डेयरी जुड़ी हुई है, डेयरी खुली हुई है आपके गोरखपुर में, अभी डेयरी ज्ञान डेयरी का हम लोगों ने जो CP मिल्क प्रोडक्ट का उद्घाटन किया था, इनके साथ जोड़िए। यहाँ पे हम लोग अभी तमाम अन्य कार्यक्रमों को, फ्लैटेड फैक्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट को भी लेकर के आए हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं यहां पर हैं, इन सभी के साथ
इन यूथ को जोड़िए और हर युवा अगर वहां जुड़ जाएगा तो इन्हीं युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम भी कर रही है, जिससे टैबलेट स्मार्टफोन के माध्यम से युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके। प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, रोजगार और नौकरी की कमी नहीं है। एफपीओस का गठन आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से तमाम संभावनाएं आपके लिए बनेंगी और उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आज रोजगार मेला का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, युवा बड़ी उत्सुकता के साथ आए हैं। मैंने अयोध्या में आज देखा, अभी गोरखपुर आने के पहले अयोध्या में मैंने 51 परिवहन निगम की बसेज को फ्लैग ऑफ किया, उनको झंडी दिखा करके रवाना किया। आप आश्चर्य करेंगे, सभी 51 बसेज में चालक भी परिचालक भी दोनों महिलाएं हैं। यानी महिलाएं कैसे आज हरेक क्षेत्र में अपने को सक्षम पा रही हैं, यह दृश्य भी मैंने आज अयोध्या में देखा। और ये उनके लिए कुछ भी आज अछूता नहीं है, फाइटर पायलट बन रही हैं बेटियां, परिवहन निगम की बसेज को चला रही हैं बेटियां, हर एक क्षेत्र में वे अग्रणी स्थान पर हैं। तो रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में भी उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस दृश्य हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहां पर यूपी बड़ौदा बैंक, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में देश में सबसे बड़ा बैंक है, और मैं इनसे कहूंगा कि इस दिशा में और बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गोरखपुर में बैंकों का सीडी रेशो या पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम है। जितना पैसा लोग जमा कर रहे हैं उतना पैसा लोन के रूप में लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है, संतुलन होना चाहिए। अगर लोगों को रोजगार के लिए पैसा प्राप्त हो जाए, उनका रोजगार के लिए पैसा प्राप्त होने के पहले उनका प्रशिक्षण हो जाए, तो इसके लिए पीएम विश्वकर्मा और उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत अनेक योजनाएं हैं, जिसमें पीएम मुद्रा योजना की भी है, पीएम स्टैंडअप की योजना भी है। इन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं और इन योजनाओं से लाभान्वित होकर के बेहतर प्रयास किया जा सकता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग को, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग को, वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए विभागों को और बैंकर्स को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो युवा यहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं उनको बधाई देता हूं, और जो युवा आज यहां आए हैं वे निराश न हों, प्रयास करें। किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं इसको चयन करिए, उसमें प्रशिक्षण ले लीजिए, उन्हें रोजगार की गारंटी सरकार देगी, उनके लिए रोजगार और नौकरी की कमी नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे, अभी तो हमें हर घर नल की योजना में प्लंबर चाहिए, एक गांव में एक प्लंबर की तैनाती हो सकती है, एक गांव में एक प्लंबर। 1,08,000 गांव है यूपी में, याद करिए कितने लोगों को मिलेगा। पीएनजी, जो रसोई गैस है, अभी तक सिलेंडर में आ रहा है, अब ये पाइपलाइन से भी बिछाई जा रही है। पाइपलाइन से जितना व्यक्ति खर्च करेगा, मीटर लगा रहेगा, उसी के हिसाब से वह खर्चा होगा। इसके लिए भी प्लंबर चाहिए, प्लंबरिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके ट्रेड होने चाहिए, उनको ट्रेंड करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको। इसके साथ रोजगार से जोड़ा जा सकता है। बेटियों के लिए वीसी सखी, अब याद करिए
पहले मांग होती थी हमारे गांव में बैंक खुले, हर गांव में मांग होती थी। हमने कोरोना कालखंड में जब पैसा भेजना शुरू किया तो पता लगा लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, तब हमने बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट से की ये घोषणा दी थी। आज 56,000 गांवों के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी का चयन हो चुका है और कॉरेस्पोंडेंट सखी के माध्यम से आज वित्तीय लेन देन का सारा काम गांव के अंदर स्वयं कर रही है। अब याद करिए 56,000 ये बेटियां ये बहनें गांव गांव में वित्तीय लेन देन का काम करते हुए स्वयं भी दी। मुझे अभी एक विशेष सखी मिली बाहर एक प्रदर्शनी में, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा आप कमा रही है, 15,000 से 25,000 रुपए प्रतिमाह, यानी इतना उसको पास कमीशन आ जाता है बैंक का और घर का काम भी अलग से। रेडीमेड गारमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं वे भी इतना पैसा कमा दे रही है। भदोही से एक कारपेट बनाने वाले एक कारीगर से मैंने पूछा कितना कमा लेते हैं, उसने कहा 12,000 से 15,000 हर महीने कमा ले रहे हैं, यानी घर में बैठे बैठे रोजगार का भी सृजन और घर गृहस्थी का भी सफलतापूर्वक संचालन, ये सभी काम एक साथ हो सकते हैं, हमें थोड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और याद रखना जिसके पास परिश्रम करने का जज्बा हो, सामर्थ्य हो, रास्ता एक बार चुन लीजिए किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग लीजिए खूब तन्मयता के साथ, आपके लिए नौकरी और रोजगार की कमी नहीं होगी, मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं। आज महाअष्टमी की तिथि है, शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की तिथि, इस तिथि पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। कल महानवमी है, सभी प्रकार के सिद्धि देने वाली मां दुर्गा की अनुष्ठान की तिथि और परसों विजयादशमी, ये तीनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन तीनों तिथियों के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जगत जननी मां भगवती और प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।